नमस्कार दोस्तों, यदि आपने हमारे वॉशिंग मशीन को खोलने, उसकी साफ़ सफाई करने, उसके विभिन्न कलपुर्जों की टेस्टिंग और मरम्मत करने के हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखे हों तो हमने उनमें कहा था कि किसी भी ओवरऑलिंग में पेंटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारे वॉशिंग मशीन के साफ़ सफाई और मरम्मत जैसे सभी काम संपन्न हो जाने के बाद अब हम उसके विभिन्न कलपुर्जों पर पेंटिंग कर रहे हैं। ओवरऑलिंग के दौरान पेंटिंग करने से न केवल आपकी वॉशिंग मशीन अच्छी दिखने लगती है, वरन इसकी उम्र भी बढ़ जाती है। हमारी वॉशिंग मशीन के वे हिस्से जहां से पेंट निकल गया है और जहां पर पेंटिंग की अत्यधिक आवश्यकता है, वहां पर हम सुनहरे रंग के एल्यूमिनियम पेंट का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसका एक कोट लगाएंगे और इसके बाद इस पर एल्यूमिनियम पेंट की दूसरी कोटिंग लगाएंगे। आप ये सब काम तभी करें जब आप इस तरह के कामों को एंजॉय करते हों, अन्यथा कतई न करें, क्योंकि घर पर ऐसे काम करने से बहुत सरायता फैलता है और कई बार घर परिवार के लोग ही नाराज हो जाते हैं। हाई एंड पेंटिंग के लिए बहुत ही निपुणता चाहिए। इसके अलावा कंप्रेसर, स्प्रे गन आदि भी चाहिए, लेकिन हमारा काम ब्रश, पेंट और थिनर से ही चल जाएगा। हमने पेंट की एक परत लगा दी है और वॉशिंग मशीन के बचे हुए हिस्सों पर पेंटिंग करने के लिए आइए अब हम तैयारी करते हैं। हम अपनी इस बैक प्लेट से सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल देते हैं। निकालने से पहले इनका फोटोग्राफ खींच लें, क्योंकि पेंटिंग करने के दौरान ये सभी मार्किंग पेंट के नीचे दब जाएंगी। निकलने वाले सभी स्क्रू, नट, बोल्ट, वाशर या फिर किसी अन्य पुर्जे को संभाल कर रखें ताकि यह खोए नहीं। बिजली के तार को इस प्लेट से निकालने के लिए हमें प्लग एंड से इस केबल को खोलना होगा, तभी यह वायर इस प्लेट से निकल पाएगी। और लीजिए, हमारा बिजली का तार इस प्लेट से निकल गया है और हमारी यह प्लेट पेंटिंग के लिए तैयार हो गई है। निकलने वाली सभी चीज़ों को संभाल कर रख दें ताकि यह खोए नहीं। आइए अब पेंटिंग के लिए एल्यूमिनियम पेंट को तैयार कर लेते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर और प्लास्टिक की मदद से इस एल्यूमिनियम पेंट के ढक्कन को खोल लीजिए। एल्यूमिनियम पेंट के डिब्बे में ऊपर के कंटेनर में भरे हुए एल्यूमिनियम फ्लेक्स पाउडर को निकालिए और इसे ऑयल वार्निश के कंटेनर में पूरी तरह से डाल दीजिए। एल्यूमिनियम पाउडर के ऑयल वार्निश में डालने के बाद किसी हैक्सॉ ब्लेड या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। और ये लीजिए, हमारा एल्यूमिनियम पेंट पेंटिंग के लिए तैयार हो गया है। वॉशिंग मशीन के विभिन्न पुर्जों पर पेंट करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। हमने हल्के पुर्जों को ऊपर एक तार और रस्सी की मदद से लटका दिया है, वहीं भारी कंपोनेंट हमारे ज़मीन पर ही रखे हुए हैं जिन पर हम ब्रश की मदद से पेंट करेंगे। स्प्रे पेंटिंग का हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि न केवल यह महंगा सौदा है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आइए सबसे पहले हम बाहरी ड्रम के बाहरी सरफेस पर पेंटिंग कर लेते हैं। ड्रम के अंदर का वह हिस्सा जहाँ पर कि कपड़े धोने के लिए पानी इकट्ठा होता है, उस हिस्से में हम पेंटिंग नहीं करेंगे। अब बारी है बाहरी ड्रम के ढक्कन को पेंट करने की। इसको भी हम सिर्फ बाहरी सरफेस पर ही पेंट करेंगे। और लीजिए दोस्तों, हमारी वॉशिंग मशीन के बाहरी ड्रम के ढक्कन को भी पेंट कर दिया गया है। आइए अब वॉशिंग मशीन की बॉडी यानी कि चेसिस, इस पर भी पेंट कर लेते हैं। इस पर पेंट करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चेसिस पर हमारी वॉशिंग मशीन के सभी कंपोनेंट का पूरा भार होता है। दूसरा, क्योंकि यह चेसिस स्टेनलेस स्टील की नहीं बनी हुई है और इसमें जंग लगने की संभावना है, तो इस कारण से भी इस पर पेंट करना बेहद ज़रूरी है। हम सबसे पहले चेसिस के तले में पेंट करेंगे और तले की पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद ही हम चेसिस के अंदर के हिस्से में पेंट करेंगे। वॉशिंग मशीन को सीधा खड़ा करने के बाद हम इसके हिस्सों पर पेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बचाते हुए हमें पेंटिंग करनी है। इसी प्रकार पेंट करते हुए
हमें वॉशिंग मशीन के चीज़ के हर हिस्से में पेंट कर देना है। इससे न केवल चमक आएगी वरन हमारी वॉशिंग मशीन अगली ओवरऑलिंग तक के लिए बची रहेगी। पेंटिंग न होने की स्थिति में इसके जो विभिन्न हिस्से हैं उन पर जंग लग जाएगा और जंग लगने के कारण वे इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आपको पूरी वॉशिंग मशीन को ही बदलना होगा, ओवरऑलिंग से काम नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार हम वॉशिंग मशीन की बैक पैनल प्लेट को भी पेंट करेंगे। इसके अलावा वी क्लैंप्स जो बाहरी ड्रम को उसके ढक्कन से जोड़ करके रखते हैं और ये संख्या में कुल 2 होते हैं, इन्हें भी हम पेंट करेंगे और इनको नया जैसा कर देंगे। साथ ही साथ हम वॉशिंग मशीन की मोटर के माउंटिंग ब्रैकेट्स जैसे छोटे कंपोनेंट्स को भी पेंट कर लेंगे और इन्हें भी नए जैसा बना लेंगे। वॉशिंग मशीन के अंदर वाले टब को ड्राइव देने वाले व्हील जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है, हमें वैसे तो इसमें पेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेंट कर देने से इसकी शक्ल सूरत में बहुत सुधार आएगा। वॉशिंग मशीन के विभिन्न करपूजों पर किए गए पेंट के अच्छी तरह से सूखने के बाद हम इस पर एक कोट और लगाएंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे। वॉशिंग मशीन के अगले वीडियो में हम अपनी वॉशिंग मशीन को असेंबल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।